प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्मस्सिद्धमल्पाम्लगीयस। जैन शासन की पूरी नींव, फाउंडेशन ऑफ जैन प्रीचिंग्स, भगवान ने जितना भी जो भी कुछ उपदेश दिया है उसका आधार क्या है, ये यदि हम नहीं समझते तो हम जिनागम में प्रवेश ही नहीं कर सकते। जैसे वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, आपको याद होगा आप्तमीमांसा हमने लिया था, हॉल में चला था, वहां पर मैंने कहा था किसने देखे है स्वर्ग, किसने देखे है नरक, किसने देखे है देवगति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव होते हैं, इतनी योनियां होती है, और फिर मोक्ष भी किसने देखा है। विजुअल तो कुछ नहीं है हमारे सामने, तो अपन वैसे ही पढ़ने बैठते तो कितनी थोती चर्चाएं लगती है अपने को। ये सब इमेजिनेशन की बातें हैं, रियलिटी की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना हमें आंखों के सामने दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता है। इसलिए आप्तमीमांसा की एक कारिका हुई जिसमें बात आई सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद यथा, आगे अनुमेयत्वाग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अनुमान प्रमाण को उन्होंने स्थापित किया वहां पर। अनुमान भी प्रमाण है, जो आंखों से दिखता है वही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। समझ में आता है? कौन सा प्रमाण दिया? अनुमेयत्व अग्नि आदि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। जिस प्रकार अग्नि की सिद्धि अग्नि को देखे बिना होती है, और वो सिद्धि 100% टू द पॉइंट है, ठीक उसी प्रकार हम जितना भी आंखों से ही देखते हैं उतना ही सब विश्व नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण प्रमाण मानना जरूरी था, अनुमान प्रमाण। मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा, सर्वार्थ सिद्धि टीका प्रारंभ करी पूज्यपाद स्वामी ने लिखना, इवन राजवार्तिक में पहला प्रकरण है राजवार्तिक का, जस्ट स्टार्ट, मोक्ष अत्यंत परोक्ष है, यह पहला प्रकरण डाल दिया उन्होंने। क्या प्रकरण है? ये क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान वाला छटपटाता है। क्यों छटपटाता है? हर एक विषय को इंद्रिय के जरिए ही पकड़ने के लिए छटपटाता है वो। उसको कोई मोक्ष नाम की कोई वस्तु उसको देखनी है आंखों से, और आंखों से भी नहीं नहीं सही, अनुभव प्रत्यक्ष तो हो। क्या बोला? जैसे बुखार हमें आंखों से नहीं दिखता है, हमारे दुख सुख हमें आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन अनुभव गोचर तो है ही ना। मोक्ष ना अनुभव में आ रहा है ना आंखों से दिख रहा है, मोक्ष की सिद्धि होवे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आश्रव बंद है ना, आश्रव बंद, उसका अनुभव गोचर है ना, ये उससे विलोम भी कोई एक परिणति हो सकती है। इमेजिन, आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको कौन सा प्रमाण कहते हैं? अनुमान प्रमाण। मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों, इतना न्याय के ग्रंथ क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। यह अनुमान प्रमाण यदि हम नहीं समझते हैं, हमारी पूरी नींव जैन दर्शन के अनुमान पर खड़ी है। क्योंकि मोक्ष हम देख सकते नहीं, संवर निर्जरा भी हम देख सकते नहीं, आज हमारे पास तीनों तत्व नहीं है, और स्वर्ग नरक आदि की बात करें, असंख्यात द्वीप समुद्र की बात करें, तो कुछ नहीं दिखते, तुम्हारे सर्वज्ञ भी नहीं दिखते, तुम्हारे मुनि भी नहीं दिखते, और कपोल कल्पित बात है कहकर कोई उसको ठुकरा ना देवे। तो सबसे पहले बताने जरूरी है कि अनुमान भी प्रमाण है, ये समझ में आता है, और लोक में भी उसको प्रमाण माना जाता है। तो अनुमान से, अनुमान मानने के लिए और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनुमान से भगवान की सिद्धि करनी है हमको कि भगवान नाम की कोई वस्तु है,
एक तरफ मैंने आपको बताया था, एक तरफ चार्वाक मत खड़ा हो। चार्वाक मत क्या मानता है? यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। आगे की महत्वपूर्ण लाइन बोलो, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्या भस्मी भूतस्य देह से एक बार ये देह भस्मीभूत हो जाए फिर पुनरागमन होता है कि नहीं होता है? खाई के लिए अभी से माता खा रहा है हमारा, किसने देखा आगे का भाव? चुप कर, जितना ये दिखता है वही सब कुछ है, चार्वाक मत मानता है। तो जबकि हम ये कहते हैं जितना ही दिखता है वही सब कुछ नहीं है, इसके पहले भी तू था बाद में भी तू रहेगा ऐसा नहीं जानेगा, तो अपने किए परिणामों का फल हमको ही भोगना पड़ेगा, ये तुम कैसे रियलाइज करोगे? लोग की भी स्थिति खड़ी नहीं होगी। और अनुमान मानना है तो केवल अनुमान मानने से काम नहीं चलेगा, तर्क भी मानना पड़ेगा, प्रतिबिंब भी मानना पड़ेगा। कैसे? कोई मुझे पता कर दिखाएगा कैसे? जैसे जैसे कि ये स्कूल में टॉप कर सकता है, तू क्यों नहीं टॉप कर सकता? फिर ये जो हमने कंपैरिजन किया, जब ये कर सकते तो तुम क्यों नहीं? मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, आपको ज्ञान में होगा, ये वो सीडी निकली थी बीच में जिसमें वो दिखाते थे सेव वाटर की एड चलती थी, डॉक्यूमेंट्री थी गवर्नमेंट की कोई एक ऐसी, सेव वाटर का था उसमें, और एक हैंडपंप का वैसे पानी चल रहा है, और उसमें कोई बंदर आया और बंदर ने उस हैंडपंप को कुछ ऐसा किया अथवा वो टैप को बंद कर दिया, ठीक है, टैप को बंद कर दिया, और वहां पर क्या मैसेज सेंड किया था उन्होंने? इफ ही कैन व्हाई कांट यू। हम केवल पानी बचाने पूर्ता ही इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं करना चाहते, हम इस नर पर्याय का संवर्धन, कंजर्वेशन ऑफ वॉटर वे सिखाते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ उपयोग, हमको प्राप्त पर्याय मिले उसका सदुपयोग कैसे होगा? हम बहुत ऊंची सिद्धांत हमको डिस्कवर करना है, कोई पानी बचाने जितना हमको काम में नहीं लेना, ये सिद्धांत कितना काम में लेना था, ये उपयोग बाहर भटकने से कैसे बच सकता है, उसको अंतर्मुख कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले एक प्रश्न खड़ा होता है, अंतर्मुख कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है अंतर्मुख? तो पहले एक आइडियल पर्सन रखेंगे हम कि हाँ इन्होंने अंतर्मुख किया था अपना उपयोग, ये आइडियल है। एक पोर्ट्रेट हमने खड़ा किया है, ये दिस इज टू सिग्निफाई टू शो कि हाँ ये हो सकता है, ऐसी अवस्था ऐसे कैसे हो सकता है? फिर हमारी जाति बिरादरी के थे तो हमारे सरीके वे पहले कभी थे, उन्होंने ऐसा आत्म पुरुषार्थ के वे भी पार कर गए, तो ये हमारे सरीके ही थे, ये कौन सा ज्ञान हुआ, ये कौन सा ज्ञान हुआ, ये कौन सा ज्ञान हुआ? प्रतिभि ज्ञान, सदृश प्रतिभि ज्ञान। क्या क्या बोला मैंने? सदृश प्रतिभि ज्ञान। लेकिन एक तो प्रतिभि ज्ञान क्या बोलता है, वे तो वे ही है, हम तो हम ही है, को उनका सुख हम नहीं भोग सकते, ये कोई सांख्य वेदांत जैसा मत नहीं है। क्यों सांख्य वेदांत जैसा मत क्यों नहीं है? मैं बोला मैंने जल्दी बोलो, क्योंकि वे तो अद्वैत मानते, वे तो कहते हम उन्हीं के अंश है। अरे हम उन्हीं के अंश कहेंगे तो उनका सुख हम भी भोगने मिलता ना फिर। और बोलो, और दूसरी बात बोलो, और एक हम भी होता उसमें, एक एडवांटेज तो ये होता उनका सुख हम भोग सकते होते, और एक हम होता हमारा दुख उनको भोगना पड़ता। यदि हम उनके अविभाजी अंश है ऐसा तुम मानते हो, अद्वैत वाले ऐसा मानते, सब यूनिट है। अपने पांचवा अध्याय कभी पढ़ा होगा तो उसमें एक उदाहरण आया, एक चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा वहां पर उदाहरण दिया टोडरमल जी ने, एक चंद्रमा है और पांच छह दर्पण रखे अथवा पांच छह पानी के पॉट रखे नीचे, तो एक ही कहते वो कोई चंद्रमा कोई वस्तु है क्या? वहां पर पानी में कोई वस्तु है, वह अवस्तु है। क्या है वो? वस्तु, अवस्तु, सब शून्य है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी कुछ दिखता है ना सब उसी का रिफ्लेक्शन है, एक वही वस्तु है।
और यही लोग ये मानते हैं कि अपन जो ये सब दिख रहा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब उसी के रिफ्लेक्शन है, इसमें उसी के अंश है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, हम एक तो पृथ्वी ज्ञान भी मानते है, माना है, और सादृश पृथ्वी ज्ञान भी माना है। यदि न मानते तो क्या आपत्ति आती, उसकी चर्चा चल रही है मेरे अभी। सादृश पृथ्वी ज्ञान नहीं मानते तो क्या आपत्ति आती, हम और वे बराबर की बिरादरी के, वे भी चेतन जाति के ही थे, मतलब वो तो है ही, और हम भी चेतन जाति के, उनको भी वैसा ही समृद्धि थी, सब गुणों का वैभव, वैसे ही मेरे गुणों का वैभव। तो आज भी हम प्रयास करेंगे तो हमको ये भी मार्ग मिल सकता है, ये सादृश पृथ्वी ज्ञान, क्योंकि एक के लिए मार्ग खुलता है। इफ वन कैन, व्हाई कांट ऑल, स्पेशली व्हाई कांट आई। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, कि यदि मैंने अभी अभी कोई बोला कि मैं अभी आता हूं पानी पी के, मान के चलो मेरी बच्ची कहती है कि पापा जी बहुत प्यास लगी, मुझे अभी पानी पी के आने दो, मैं केवल, चलो मेरी बच्ची है अपन उसको कैसे मना करे, मैं एक के लिए रास्ता खोल दू 100 जन के सामने, तो एक के लिए रास्ता थोड़ी खोला है, फिर मैंने सबके लिए वो लागू होगा। फिर मैं क्यों कहा ये सादृश प्रतिविज्ञान, ये समझना बहुत जरूरी था, सादृश प्रतिविज्ञान कि उन सरी के हमें वेक हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं, किसी के मोनोपोली एकाधिकार, दिस इज नॉट द प्रिविलेज फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन्स, बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई है ही नहीं यहां पर, ऑर्डिनरी तत्व से, सामान्य तत्व से देखो तो सब सामान्य। और एकत्व तो प्रतिविज्ञान क्या बताता है, एकत्व तो प्रतिविज्ञान क्या बताता है, हम सरी के वे थे लेकिन उनका आत्मध्यान उनको ही काम में आया, उन्होंने कोई आदिनाथ की माला नहीं फैली महावीर ने, ना पार्श्वनाथ की माला फेरी, उन्होंने तो स्वयं अपने आत्मा का ध्यान किया। यहां पर तो अपनी अपनी नैया है, अपने अपने को खेनी है बाबा, यहां पर रोने से किसी को लिफ्ट के हाथ हाथ वाथ दिखाने से कोई रास्ता नहीं, और अपने को कोई लिफ्ट देकर वो भी अपने को लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो प्रतिविज्ञान समझ में आता है। मैं इतना क्यों कह रहा हूं, न्याय में इतनी चर्चा क्यों करी इसकी, कि पहले जितना भी हम स्वरूप बताएंगे जिनागम में वो सब विजुअल तो कुछ नहीं है, आंखों से हम कुछ नहीं दिखा सकेंगे तुमको, तो अनुमान प्रमाण पहले मानो, हो सकता है ऐसा। और अनुमान मानने के लिए पहले क्या, किससे गुजरना पड़ेगा, तर्क से, तर्क तक आने के लिए पहले प्रतिविज्ञान तक आना पड़ेगा। और भगवान हो सकते हैं, यह अनुमान कैसे हुआ, देखो प्रतिविज्ञान से चलो आगे। ये सुखी है दिव्यांशु, उससे ज्यादा ये सुखी दिखते हर्षिल, मैंने सब तर्क आप्तमी मानसा में दिए थे, आपको याद होगा तो, अतिशायन हेतु ऐसा वहां पर बोला था मैंने, अतिशायन, ये इनसे सुखी ये दिख रहे, इनसे सुखी ये दिख रहे, ऐसा प्रत्यक्ष हीनाधिकपना लोक में देखने में आता है। तो ऐसा भी कोई होगा जो पूर्ण सुखी होगा, ये जो हमने अनुमान के, उस अनुमान का आधार क्या है, सिद्धांत प्रतिविज्ञान, क्यों, जैसा जैसा ये जैसे सुखी है वैसे एक कदम फिर आगे ये बढ़ सकते हैं, तो और एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हम, समझ में आता है, थोड़ा एक कदम और आगे क्यों नहीं बढ़ सकते, थोड़ा एक कदम, तो फिर कोई पूर्णता की कल्पना करी हमने, कि ऐसा भी कोई, उसी जैसे सुख में अपन ने इमेजिन किया वैसे ज्ञान में इमेजिन करना, इनसे ज्यादा ज्ञान उनका, इनसे ज्यादा ज्ञान उनका, और एक बार पढ़ के ये 10 बार पढ़ के बोलते हैं, 9 बार पढ़ के बोलते हैं, एक बार, ऐसा भी कोई होगा जो बिना पढ़ के ही, और पूरा ज्ञान जिनको बराबर धड़ाधड़ एक एक चीज का एट ए टाइम ज्ञान वर्तता, कोई यहां पर एक समय में 10 अवधान करता है, कोई 25 अवधान करता है, कोई 7 अवधानी है श्रीमद जी जैसा, कोई ऐसा भी होगा जो अनंत धान करता होगा, अनंत अवधान एक समय में करता होगा, यह अनंत अवधानी कार्यक्रम कौन करता है, ये सर्वज्ञ परमात्मा करते हैं, ये समझ में आता है, ये प्रतिविज्ञान है इसका आधार, ये पकड़ रहे, ये कंपैरिजन, जितना भी कंपैरिजन हुआ इस कंपैरिजन का आधार प्रतिविज्ञान होता है, और इसी से हमारे भगवान की सिद्धि होती है। ठीक है, सुबह एक सूत्र हमने पूरा किया था, 9वां सूत्र किया था, प्रतिविज्ञानाभास, याद आ रहा है, उसका अर्थ अपने किया था
कि एक वस्तु में यह वही है ऐसा ज्ञान करना, यह प्रत्यभि ज्ञानाभास। एक ही वस्तु में, वैसी ही वस्तु में यह वही है ऐसा ज्ञान करना, ऐसा अज्ञान करना, यह प्रत्यभि ज्ञानाभास। और दूसरी तरफ से भी लगा लेना, वही वस्तु में यह वैसी ही वस्तु है ऐसा ज्ञान करना, यह भी प्रत्यभि ज्ञानाभास। समझ में आता है? प्रथमानुयोग की ख्याल में आती है आपको कहानी कुछ? प्रथमानुयोग की कुछ कहानी ख्याल में आती है? सुतारा की कहानी सुनाई थी, याद आता है? ये सुतारा कौन है? ये सुग्रीव, याद आता है? सुग्रीव की पत्नी है सुतारा, और साहस गति नाम का एक विद्याधर वो रीझ गया सुतारा पर। अभी रीझ गया वो विद्याधर था तो उसने भेष बना लिया सुग्रीव का। अब सुतारा को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ये तो अभी अभी मेरे सामने थे, ये फिर कैसे यहां पर आ गए? और अभी ये आंखों के सामने बराबर वो झल भी नहीं हुए, ये सामने फिर खड़ी है उनकी प्रतिकृति। वो मन ही मन समझ गई कि एक शरीर के दो शक्लें हैं, इसमें एक ही कोई सत्य है। मैं क्यों कह रहा हूं? एक शरीर की दो वस्तुएं हैं, उसमें यह वही है ऐसा यदि ज्ञान करते तो कितने बड़े व्यभिचार हो जाता। क्या किया था मालूम सुतारा ने? फिर क्या किया था सुतारा ने? सुतारा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, शील संकट खड़ा हो गया, सती संकट खड़ा हो गया कि एक ही शक्ल के दो है, एक सुग्रीवाभास, क्या करना? तो उनने मंत्रियों को बोल दिया फटाफट, एक एयरटाइट केबिन में, आज की तारीख में कहो तो एकदम सिक्योरिटी एक स्थान पर वो सिक्योर कर दी गई, एकांत रूम में, वहां पर कड़ा पहरा करा दिया। यहां पर कोई नहीं आ पाए, ना सुग्रीव, मैं सुग्रीव हूं ऐसा मिथ्या परिचय देने वाला आए, ना सच्चा सुग्रीव यहां पर आए, क्योंकि सच्चा और झूठा तो तुमको पता ही नहीं है, मुझे ही पता नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा? कब तक? जब तक यथार्थ निर्णय ना हो तब तक। तो सच्चा जो पति होगा सुग्रीव, वो नाराज हुआ होगा ना थोड़ा देवेश, वो नाराज हुआ होगा, फिर उसको कितना नाराज हुआ होगा कि सच्चे पति के साथ रमण नहीं होगा तो बर्दाश्त है, लेकिन वो जोखिम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। और सुग्रीव के रमण की संभावना को सामने रखते हुए सुग्रीव को गौण किया तो भी चलेगा, सुग्रीव और सच्चा सुग्रीव होगा उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें। आप सब समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं ये सब? प्रत्यभि ज्ञानाभास, वैसी ही वस्तु में यह वही है कहना एक, और वही उसी वस्तु में यह वैसी ही है कहना, मानना जानना, ये प्रत्यभि ज्ञानाभास। ए ठीक है ना, लोक में भी कितनी तकलीफ होती है इसको लेकर। कुंती पूछ बैठी समो शरण में जाकर, कुंती क्या पूछ बैठी समो शरण में जाकर? समो शरण में क्या प्रश्न पूछा उन्होंने नेमिनाथ भगवान को? क्या प्रश्न पूछा? हे भगवान, आज वो दो महाराज, बोलो, आज वे दो मुनि महाराज एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, तीन दफे आहार करने के लिए घर में कैसे आए? तीन दफे तो समय शरण में यह बात आई, नहीं नहीं, वे एक शरीर के युगल दिखते हैं, वे छह सगे भाई है जुड़वा, जुड़वा नहीं होंगे खैर, ये सगे भाई है छह, और दो दो करके आए थे आहार के लिए, दिखते एक शरीर के ही है, तुम्हारे ही पुत्र है ये सब गृहस्थावस्था के। तो कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ? तीन तीन बार वही कैसे आ रहे हैं? तो वही नहीं है, ये वैसे ही है। ये समझ में आता है क्या कहा? देखो सूत्र देखिए नौवा, सदृशे। प्रतिभि ज्ञान की परिभाषा जानते हैं आप? प्रतिभि ज्ञान की अब तो बहुत नए हो ना, ये दिक्कत है।
पृथ्वी ज्ञान की आप में से भी कोई परिभाषा जानता है क्या? पृथ्वी ज्ञान की परिभाषा आप में से कोई बताएगा? ये प्रॉपर मुझे भाग के उसकी परिभाषा चाहिए, प्रवेशिका की। प्रवेशिका की परिभाषा कोई बताएगा? काम चलाओ परिभाषा कोई बताएगा? काम चलाओ बोलो। संकलन रूप जोड़ ज्ञान को प्रतिविज्ञान कहते हैं। क्या? संकलन किया ना, कंपेरेटिव नॉलेज। संकलन रूप जोड़ ज्ञान को, संकलन किन का? अपने प्रकरण कभी नहीं सुना प्रतिविज्ञान वगैरह वाला? कभी नहीं सुना है? ओ हो, एकदम बेसिक चीज है। आपने सब बेसिक, बहुत ही बेसिक है। मैं थोड़ा बहुत आप ही के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं ये सब। संकलन रूप जोड़ ज्ञान को पृथ्वी ज्ञान कहते हैं। संकलन किसका? लेकिन व्हाट इज संकलन? पहले तो व्हाट इज संकलन? जोड़ना। व्हाट डू यू से? कलेक्शन बोल रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। किसको कलेक्ट करना? प्रत्यक्ष और स्मरण। वेरी नाइस। सामने जो वस्तु खड़ी है और एकदम स्मरण करना, हाँ ये वही है, अथवा ये वैसा ही है, ये जोड़ ज्ञान, इसको कहते प्रतिविज्ञान। ओके, आप मुझे कोई परिभाषा बताएगा प्रतिविज्ञान की, प्रवेशिका की, गोपाल दास जी की? मुक्ति बताओगी? आई एम वेरी सॉरी, एक्चुअली मुझे उसकी प्रतिभा की नहीं चाहिए, मुझे ध्रुव की परिभाषा चाहिए। ध्रुव की परिभाषा याद आ रही? ध्रुव उत्पाद ये ध्रुव है ना, तो ध्रुव की कुछ परिभाषा दी है उन्होंने, ध्रुव की, प्रवेशिका में। आप में से कोई भी बोलो मत। ध्रुव की परिभाषा प्रवेशिका में क्या है? प्रवेशिका में दो हाथ ऊपर है। ध्रुव की परिभाषा बोलो भाई देवेश। प्रतिविज्ञान के कारण वो द्रव्य की किसी विशेष अवस्था के कायमता को। वेरी नाइस। अब बोलो, रिपीट करो। वेरी नाइस बेटो। प्रतिविज्ञान के कारणभूत ध्रुव की परिभाषा लिए, क्योंकि ध्रुव मतलब क्या होता है? यह वह ही है। और प्रतिविज्ञान का मतलब क्या होता है? यह वह ही है, एकत्व प्रतिविज्ञान। ए, समझ में आता है क्या? हमने समय सार की पहली गाथा देखी थी, आपको याद होगा। ध्रुव का मतलब कुछ देखा था, ध्रुव और नित्य में कुछ अंतर है ऐसा बोला था। ध्रुव और नित्य में कुछ अंतर है ऐसा बोला गया था। वो क्या बोला गया था बोलो? ध्रुव और नित्य में क्या अंतर है? ठीक है, ये तो तुमने एकदम सिंपल परिभाषा कही है। तुम क्लिष्टता में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, तुम तो सही हो। नित्य में एक सा, ध्रुव में एक रूप, समझ में आता है? पकड़ते हैं? पर्याय में आओ जरा। पर्याय उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है। पर्याय कैसी उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है? सिद्धों की पर्याय दिमाग में खड़ी करो। सिद्धों की पर्याय है अनित्य, लेकिन एक सी है। लेकिन ध्रुव स्वरूप देखो तो एक सा नहीं, वो एक रूप है। सिद्ध पर्याय कैसी है? एक सी। सिद्ध पर्याय कैसी है? एक सी। सिद्ध स्वरूप कैसा है? एक रूप। एक सा मतलब वो वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, लेकिन वो दैट विल नॉट बी नित्य, अनित्य है वो। अनित्य है। और त्रिकाल स्वभाव कैसा है अपना? नित्य। सुनो, उसको तो ध्रुव है वो। नित्य कहने में तो थोड़ी बाधा है, ध्रुव कहेंगे।
अभी समझने के समझ का फेर है इसमें तो, और पर्याय कैसी है वहां पर, तो पर्याय को ध्रुव बोला, लेकिन फिर ये कहा वो ध्रुव तो है लेकिन वो नित्य नहीं है, फिर अनित्य है ऐसा कहना पड़ेगा। क्या है सिद्ध? सिद्ध कैसी है पर्याय? फिर है तो अनित्य लेकिन है ध्रुव, वहां पर ध्रुव का अर्थ क्या? एक सा, जहां पर जो जैसा प्रकरण है वैसा अर्थ समझना। देखिए सदृश तत् एव इदम मिल रहा है, सदृश अर्थात ये कौन सी विभक्ति है? सदृश कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, वेरी नाइस। सप्तमी मतलब कौन सा वर्ड आएगा उसको? में। सदृश वस्तु में, प्रॉपर इंग्लिश वर्ड बोलो सदृश के लिए, टू द पॉइंट पर आओ, वेरी प्रॉपर। दीज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, से भी और चुस्त वर्ड चाहिए, अलाइक। नहीं सुना? अलाइक का मतलब क्या होता है? समान, अलाइक, ए अलाइक, दे आर लाइक इच अदर, दे डोंट लाइक इच अदर, दे आर लाइक इच अदर। समझ में आता है? सिमिलर भी चलेगा, अलाइक एकदम नजदीकी स्थापित करता है। सदृश अलाइक ऑब्जेक्ट्स में तत् एव इदम, यह वही है, ऐसा ज्ञान, वह प्रत्यभि ज्ञानाभासम। नेक्स्ट तस्मीन एव, तस्मीन फिर उसमें, उसी वस्तु में, तेन सदृशम उसी वस्तु में, ये उस सरीके ही है ऐसा कहना, ये दूसरा दोष, ये प्रतिभिज्ञानाभास, ये पकड़ में आता है? लोक में तो बहुत ऐसे चलते हैं व्यवहार सब ऐसा, तो दोनों प्रतिभिज्ञानाभास। अभी उदाहरण क्या दे रहे देखो, यमलकवत, व्हाट इज यमलक? एक साथ जन्मे हुए जुड़वे बच्चों के समान। क्या जुड़वे समान? क्या ये वही है ऐसा लगता रहता है ना, जबकि वह नहीं है, यह वैसा ही है। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो फिर देखो जितने भी जुड़वे होते हैं कितना कंफ्यूजन लोक में होता है। और तो और आपने कभी गौर किया होगा, उनके नाम भी मां ऐसी रखती है, संजय विजय, नाम में भी और कंफ्यूजन। और तो और उनको शर्ट भी एक ही तागे के रहते हैं, एक ही कपड़े की पैंट। और तो और उनका बस चले तो हेयर स्टाइल भी एक सरी की, एक ही क्लास में मर गया अभी तो कोई नहीं पहचानेगा। तो ऐसे ये उदाहरण दिया छोरो ने, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दसवां सूत्र में आइए, तर्काभास देखते, तर्काभास चलना है, तर्काभास की तरफ। प्रतिभि हुआ, अभी तर्क की तरफ आ रहे हम। तर्क की क्या परिभाषा देखी थी कोई बताएगा? व्हाट इज तर्क? तर्क, तर्क का अर्थ क्या देखा था हमने? ऐच पढ़ो मत, कोई नीचे नहीं देखो। तर्क का अर्थ क्या देखा था? तर्क का अर्थ पर्यायवाची चार पांच लिखा है, तर्क के लिए व्याप्ति ज्ञान। और बोलो, और बोलो, चिंता, चिंतन, नहीं चिंतन कब लिखा है अपने? अच्छा चिंतन भी लिखा है, नहीं ए आपने आगे क्या बोला? व्याप्ति है वो, व्याप्ति, ठीक है ठीक है। चलो उस सूत्र का अर्थ बोला, संज्ञा चिंता अभिनिबोध वाला, संज्ञा चिंता, चिंतावाह का, सुनो सुनो सुनो, अभिनिबोध अनुमान के लिए, अभिनभावी, वह वो अन्वय व्यतिरेक,
ये सब एक कर्तवाच्य याद आ रहा है। तर्क का मतलब है जहां जहां ये वहां वहां वो, जहां वो नहीं वहां ये भी नहीं, इसको कहते तर्क। समझ में आता है? जब जब भी मैं इसको देखता हूं वहां पर वो रहता ही है। ये 100 दफे मैंने देखा ये, इसको कहते हैं डेफिनेटली ही इज समहाउ रिलेटेड विथ हिम। समझ में आता है क्या? जरूर यह कुछ ना कुछ इनका संबंध है। मे बी अ सर्वेंट, मे बी एनी वन, बट समहाउ रिलेटेड होना चाहिए। ये क्या कहते हैं इसको? तर्क। लेकिन ये तर्क कब चलेगा? वो जब जब भी एक दिखेगा तो दूसरा दिखना ही चाहिए, और दूसरा नहीं दिखेगा तो पहला भी नहीं दिखना चाहिए। अकेले दिखेगा तो आपका तर्क गया फिर काम से, वो तर्कभास में आएगा। कितने जन ने फॉलो किया मेरी बात को? हाँ, समझना ये बात को। देखिए क्या उत्तर देते, असंबद्ध। 10वें सूत्र में आए तर्कभास की परिभाषा, असंबद्ध तज ज्ञानम तर्कभासम। जो फिर अगेन असंबद्ध, कौन सी विभक्ति है ये? सप्तमी। आगे उस पदार्थ में, किसमें? जो आपस में संबंध नहीं रखते। संबंध मतलब यू विल हैव टू टेक इनटू ग्रांटेड कि यह संबंध मतलब अविनाभावी संबंध की बात कर रहे हैं। और अविनाभावी संबंध मतलब, अविनाभावी संबंध मतलब लोग कहते ज्ञान और आत्मा अविनाभावी संबंध, ऐसा अविनाभावी संबंध यहां पर अभिष्ट नहीं है। एक तरफी व्याप्ति लगे, एक तरफी, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां अग्नि नहीं वहां धुआं नहीं, इसे कहते व्याप्ति ज्ञान। तर्क, तर्कना शैली उसकी बहुत गजब की। कहते ना डॉक्टर साहब के आगे विशेषण जोड़ा जाता है, तार्किक विद्वान। तर्क कहते, तर्क उसको एक लॉजिक, लॉजिकली बात को सिद्ध करना होता है। ठीक है, चलो। ये असंबद्धे तज ज्ञानम तर्कभासम, जिसका संबंध नहीं बैठता आपस में, अविनाभावी नहीं है, और उसमें कहना, उसमें कुछ रिलेशन दिखाना, वो तर्कभास में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका एक हद कोई उदाहरण दे पाएगा? यहां पर तो उदाहरण नहीं दिए है, कोई उदाहरण दे पाएगा? सुनो 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 तो बोलो मत, बोलो मत। माँ बाप के दोनों काले माँ बाप थे, ठिंगने थे, दोनों ब्लैक इन कलर एंड दोनों शॉर्ट हाइटेड। उनसे 4 संतानें हुई, दे वेर एज गुड एज देयर पेरेंट्स ओनली। ओके, पांचवा पैदा होने को था तो उसको अनुमान में जाएगा खेरिए कि ये डेफिनेटली ऐसा ही होगा, अथवा एकदम गोरा हो गया, टॉल हाइटेड, ये उनका हो ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार उनका नहीं है कहना, ये तर्कभास में चला जाएगा। क्यों? ये जो तुमने तर्कांकित किया है ना, जैसे मां बाप वैसे बच्चे, ऐसा नहीं होता बाबा। ये तो मोस्टली होता है, लेकिन तर्क मोस्टली के आधार पर थोड़ी चलता है। तर्क तो ऑलमोस्ट के आधार से भी नहीं चलता है, तू तो मोस्ट की बात करता है। तर्क तो 100% लागू होना चाहिए, फिट। एक भी ऐसा धुआं दिखाओ जहां पर अग्नि नहीं हो, समझ में? ऐसा नहीं होता, 100% फिट होना चाहिए। ये तर्कभास हो गया, पकड़ में आ रहा है? किसी की संतान को ऐसे क्लेम करना माता पिता को देखकर, मोटे मोटे तौर पर कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो जाएगा तो तर्कभास में। आगे बढ़ते हैं। बहुत होते हैं ऐसे, किसी किसी के माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ गवार रहते हैं और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, और कभी कभी उल्टा होता है। उल्टा तो बहुत देखने में आता है, बहुत देखने में आता है, और एकदम नालायक बच्चे जन्म, ऐसे भी हो सकता है। और जैसी जैसी डिसीजन पावर वगैरह बड़ों को है, वैसे बच्चों को नहीं है, ऐसे तुरंत ख्याल में आता है, उन पर बड़पन थोपा जाता है, लादा गया है,
पुण्य का उदय उदय इतना प्रबल है कि वसीहत में ये पुण्य का उदय गुडविल भी मिल जाता है, ऐसा होता है बहुत। देखो ग्यारहवा सूत्र देखिए, इलेवेंथ, अनुमानाभास को देखना है। अनुमानाभास में आइए, अनुमान का मतलब क्या देखा था हमने, अग्नि को देख, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान करना, ये अनुमान तर्क पूर्वक होता है। अनुमान याद आता है, अभी अनुमानाभास बोला जाएगा। जैसे आपने सर्वज्ञता में कैसे लगाएंगे कोई बताएगा, सर्वज्ञता में कैसे लगाएंगे? देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, देखो सुनो, इस सृष्टि का कर्ता जरूर कोई अतिशयकारी होना चाहिए, क्योंकि सामान्य चित्र का भी कर्ता कोई विशेष व्यक्ति, ये सामान्य चित्र है सबसे इतना अच्छा है अपन कह रहे हैं, उसको भी एक विशेष चित्रकार बनाएगा तो ये सृष्टि रंग बिरंगे फूल आदि में भरी है, वो किसी अरे गहरे का काम नहीं है, वो बहुत बड़े जिसको हम ईश्वर संज्ञा देते हैं ऐसी कोई व्यक्ति ने की होगी, ये अनुमानाभास कहलाएगा। समझे? अनुमानाभास, अनुमानाभास क्यों बोला, अनुमानाभास क्यों बोला, क्योंकि ये चित्र जो इन्होंने बनाए जो तुम कह रहे हो तुम यही ठीक नहीं बोल रहे हो, किसी ना किसी ने किया है ये बात सही है, तुम तो इतना तर्क अनुमान इतना ही होना चाहिए, ये चित्र भी बना कार्य है किया गया है तो सृष्टि भी कार्य है, दैट्स ऑल। कितने जन ने फॉलो किया जो मैंने बोला, कार्यत्वात् हेतु, ये कार्य होने से जरूर इसका कोई ना कोई कारण है, यहां तक तो बात चलेगी, लेकिन ईश्वर ऐसा तुम बोले ये तर्काभास है या अनुमानाभास है, तो यथार्थ अनुमान क्या है, ये कार्य है जरूर इसका कोई ना कोई कारण है, क्या चित्र, तो ये इतनी बड़ी सृष्टि है तो ये भी कार्य इसका भी कोई ना कोई जरूर कारण है, यहां तक जैनी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कौन है कारण फिर, कारण कोई बाहर का क्यों चाहिए फिर, उसको बाहर का होना चाहिए क्यों बोल रहे तुम, वो कोई स्वयं प्रत्येक वस्तु अपने स्वयं का ही कर्ता कर्म अपने अपने में घटित होगा, ठीक है, और फिर कहना हो तो सृष्टि प्रत्येक समय में परिणमन हो रही, तो फिर उसका बहिरंग निमित्त मानना हो तो काल द्रव्य मानो, फिर ईश्वर नाम की कोई सत्ता सिद्ध नहीं होगी इसमें, ठीक है। इदम अनुमानाभासम, ग्यारहवा सूत्र, संधि विच्छेद देखो, इदम अनुमानाभासम, यह अनुमानाभास है, यह मतलब क्या, तो फोर्थ कमिंग सूत्र, तो जो आगे सूत्र चलेंगे बारहवें से आगे, यह अनुमानाभास ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसमें क्यों नहीं बताया, क्योंकि अनुमानाभास की चर्चा चलेगी कई सूत्रों में आगे, कई सूत्रों में मतलब लगभग 30-35 सूत्र लगा सकते हैं अनुमानाभास समझाने के लिए, क्यों, अनुमान के फिर पांच अंग खड़े करेंगे, ये पक्षाभास, हेत्वाभास, दृष्टांताभास, क्या क्या था, उपनयाभास, निगमनाभास, ये पांचों के आभास खड़े होंगे अभी, और ये के कितने भेद प्रभेद होंगे कह नहीं सकते, इसलिए ये सूत्र है ये उत्थानिका के रूप में, उत्थानिका समझते हैं, हेडिंग के रूप में है ये सूत्र, जैसे बनारसी दास जी की आदत है ना, कोई प्रकरण चालू होना है तो वो भी छंद में बोलेंगे, नहीं ज्ञान में आपको देखने में है कभी समयसार नाटक में, जैसे एक छंद लिख दिया, कहते जैसे जैसे, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, दौलत राम जी की भी आदत है, सुनिए जो है अज्ञान, अब सुनिए जो है अज्ञान, अब सुनिए गृहित सुनिए सुते, ये उत्थानिका, उत्थानिका कहते हैं इसको, कुछ समझ रहे, और बोले कर दो अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई आदि आदि, और बोलो कर दो ये ही आश्रो, अब आश्रो सुनिए मन वचक गायत्री होगा मिथ्याविरति, याद आ रहा है आपको, इसको उत्थानिका के रूप में उसको हेडिंग करके खड़ा कर देना, तो ये सूत्र भी एक हेडिंग के रूप में है,
आगामी आने वाले जो चलेंगे सूत्र, उच्च सूत्र की उन्होंने हेडिंग डाल के रख दी। यह अनुमानाभास की चर्चा चलेगी आगामी पीरियड से। आज हमने दो ही सूत्र देखे, दसवां और ग्यारहवां। नौवां सूत्र पढ़ लिया बस, प्रतिविज्ञानाभास का उदाहरण एक उसमें देख लिया, जैसे जुड़वे बच्चों का उदाहरण दे, जुड़वे भाइयों का। दसवां सूत्र हमने देखा जो तर्काभास वाला था। अनुमानाभास की चर्चा अगले पीरियड में करेंगे। ओम नमः।